हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माय कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे वो आपके माय कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए, क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात, इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम के भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आप इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वहीं हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 6 मई के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करें, एंड मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो देखते समय नोट्स ज़रूर बनाना वन लाइनर फॉर्मेट में। जो आप क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि हमें एमसीक्यू फॉर्मेट पसंद है, तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप नोट्स बना के चलना, जो भी टॉपिक कराया जाए उसके साथ बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में, कि ये इससे एसोसिएटेड है, ये इससे एसोसिएटेड है। नोट्स बनाएंगे, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी आपकी, आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्री के पहले फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब के बारे में, जो कि कहाँ पर, हैदराबाद में सेटअप किया गया। पहला नोट्स कैसे बनाएंगे, कंट्री का फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्निकल हब कहाँ सेटअप किया जाएगा, हैदराबाद में सेटअप किया जाएगा। ये बिल्कुल नोट बन गया, ये पूरी लाइन नोट कर लीजिए, ये क्या है आपका एक तरीके का नोट हो गया। कमिंग बैक, कंट्री का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे, हैदराबाद में। टेक्नोलॉजी में भी आपको इसमें याद रखना है, जो फार्माक्यूटिकल सेक्टर हो गया, जो आपका फार्मा सेक्टर हो गया, जो आपका दवाइयाँ बनाता है, जो ड्रग्स बनाता है, इस सेक्टर में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। उस टेक्नोलॉजी के लिए ये टेक्नोलॉजी हब सेटअप किया जा रहा है, कंट्री का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। यहाँ पे नई मशीन्स, नई टेक्नोलॉजी आएंगी, जिससे रिसर्च करने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर हमारे यहाँ के साइंटिस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और करेंगे किसी भी चीज़ पर, किसी फार्मा पे या किसी मेडिकल सेक्टर में या किसी भी ड्रग पर, तो उससे क्या होगा, रिजल्ट आउटकम ज़्यादा होगा। जैसे आपने देखा COVID-19 की वैक्सीन बनी, इस वैक्सीन के बनने का रीज़न ये था क्योंकि जिन कंट्रीज ने, जिन ऑर्गेनाइजेशन ने इन पर रिसर्च की आपकी वायरसेस पे, COVID-19 पे, एंड तभी वो आ पाई। जिन कंट्री के पास इक्विपमेंट ही नहीं थे, प्रॉपर इक्विपमेंट ही नहीं थे, तो वो तो मेडिसिन डेवलप ही नहीं कर पाए। तो इसीलिए रिसर्च इस फार्मा सेक्टर पे डेवलप करने के लिए, इस फार्मा सेक्टर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये लाया गया है। ठीक है, कहाँ पर, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब इंडिया का पहला कहाँ पर आया, हैदराबाद में। नेक्स्ट, फिर हम बात करेंगे कंट्री के, इंडिया के पहले ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, जो ट्राइब्स हैं ओडिशा में, उनकी हेल्थ पर ध्यान रखना, उनके हेल्थ से रिलेटेड डाटा का रिकॉर्ड रखना, फिर उसी के हिसाब से आगे एक प्रोसेस होता है ये पूरा। ठीक है, पूरा डाटा स्टोर करना, एक डाटा सेंटर डेवलप करना, एंड उसी हिसाब से जो हेल्थ केयर है उसको प्रोवाइड करना लोगों को, ये सेटअप किया जा रहा, ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, कहाँ पर सेटअप किया गया, ओडिशा में सेटअप किया गया, और इंडिया का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है जो कहाँ पे, आपका ओडिशा में। जैसे मैंने बताया, जो आप डाटा स्टोर करेंगे उस डाटा के बेसिस पे आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी इन ट्राइबल लोगों को, एंड उसी के बेसिस पे आपका
एक पॉलिसी बनाई जाती है कि हाँ इस एरिया में यहाँ लोगों को ये पॉलिसी सेटअप की गई, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना है, उस पॉलिसी के हिसाब से मेडिसिन देनी है, जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम इस ओडिशा के ट्राइबल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो अभी रिसेंटली ये जो MOU साइन किया गया, इसी के दौरान याद रखना सुष्मिता बागची ये चेयरपर्सन है मू अभियान की। ये मू स्कूल और लॉन्च किया गया था, याद रखना मू स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया था, उड़ीसा में। तो इस मू स्कूल की जो चेयरपर्सन है सुष्मिता बागची, इनके द्वारा एक अभी सर्वे लॉन्च किया गया, ओडिशा ट्राइबल फैमिली हेल्थ सर्वे। इस सर्वे में बताया गया कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे, जो हमारा डेमोग्राफिक डाटा है इंडिया का, कहाँ पर कैसे लोगों की हेल्थ है, कहाँ पर क्या ज़्यादा को बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, कहाँ पे ट्राइबल लोगों की कैसी हेल्थ रहेगी, कहाँ पे क्या तरीके का एनवायरनमेंट होता है, किस तरीके के लोगों को क्या एनवायरनमेंट सूट करेगा, उस हिसाब से मेडिसिन प्रोवाइड करना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारे डाटा के बेसिस पे ही एक पॉलिसी बनाई जाएंगी, इसीलिए ये सर्वे कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। और इस सर्वे को लॉन्च किसके द्वारा किया गया, सुष्मिता बागची के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, ये जो मू स्कूल हमने बात किया, अभी हमने देखा था ये क्या है, ओडिशा का कैंपेन था, और इसे किस लिए लॉन्च किया गया था, ये एक प्लेटफॉर्म था टू क्रिएट, टू कनेक्ट पीपल, कोलैबोरेट एंड कंट्रीब्यूट टू द रिवैम्पिंग गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इन ओडिशा। तो जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल है उसमें बच्चों को एडमिशन कराना, उनके बारे में लोगों को अवेयर कराना, ताकि जो बच्चों का बेनिफिट हो सके, ठीक है, मू स्कूल हो गया ताकि बच्चों का बेनिफिट हो सके, बच्चे वहाँ पे एजुकेशन ले सकें एंड वहाँ पे बच्चों को जो सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकें प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया गया इसरो के साथ, ठीक है। इसरो के साइंटिस्ट को प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए, अब हम देखते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो इसरो के साइंटिस्ट को अप टू डेट रखने के लिए, उनको टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो अभी अप टू डेट है, जो अभी नई चीज़ें आ रही हैं, जो अपस्किल अभी चल रहे हैं, उससे आगाह कराने के लिए, उस टेक्निकल एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए ये एक प्रोग्राम लाया गया, इसरो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। याद रखेंगे 5 साल तक ये वैलिड रहेगा प्रोग्राम, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, ठीक है। इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ। 4000 इसरो के टेक्निकल एम्प्लॉयज़ को ये प्रोग्राम के अंडर ट्रेन किया जाएगा, ताकि जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है उससे अप टू डेट किया जा सके। द लोकेशन ऑफ द ट्रेनिंग विल बी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर द MSDE लोकेटेड अक्रॉस इंडिया। MSDE क्या है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एम जैसे हम देख ही चुके हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है इसरो का, उनको अप टू डेट रखने के लिए, उनके स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इसरो के स्टाफ को हम नई टेक्नोलॉजी से, नई स्किल से आगाह कराएं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा, अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो पहले सी लैंग्वेज होती थी, फिर C++ आ गई, फिर जावा आ गई, फिर एडवांस जावा आ गई, फिर जावास्क्रिप्ट आ गई। ये क्या हो रहा है, एडवांस होते जा रहे हैं। तो अगर आप भी, ये लोग भी एडवांस रहेंगे, टेक्नोलॉजी से अप टू डेट रहेंगे, इंडस्ट्री में उन्हें पता रहेगा कि क्या चल रहा है, किस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट है, तो उसी तरीके से जो हमारे प्रोजेक्ट्स भी डेवलप किए जाएंगे वो भी एडवांस प्रोजेक्ट होंगे और अप टू द मार्केट, अप टू द लेवल होंगे, करंट टाइम के हिसाब से होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे M15 पेट्रोल की। M15 मतलब 15% ब्लेंड है इसमें मेथनॉल का, इस पेट्रोल में, आई रिपीट, मेथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की बात कर रहे हैं, एम से मेथनॉल, तो 15% ब्लेंड रहेगा मेथनॉल का इस पेट्रोल में। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा ये पेट्रोल M15 पेट्रोल को अभी रिसेंटली पायलट बेसिस पे, मतलब ट्रायल बेसिस पे रिलीज किया गया, कहाँ पर, असम में, ठीक है। 15% मेथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल असम में ट्रायल बेसिस पे रिलीज किया गया, किन के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, अभी हम बात करेंगे दो ऑर्गेनाइजेशन, टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट, एंड इन्होंने अभी टाइप किया, किनके साथ पार्टनर किया, सेंटर फॉर ऑटिज्म एंड अदर डिसेबिलिटीज रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड एजुकेशन के साथ। किस लिए, ताकि लॉन्च करें एक ऑटेंटेशन, अ डिफरेंट माइंड इज अ ग्रेट माइंड, आई रिपीट, पे ऑटेंटेशन, अ डिफरेंट माइंड इज अ ग्रेट माइंड, इसको लॉन्च करने की बात की गई। और ये क्या है, पहला ब्राइट डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क, ब्राइट डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क रहेगा ये आपका, पे ऑटेंटेशन, अ डिफरेंट माइंड इज अ गिफ्टेड माइंड, लॉन्च किया गया दो ऑर्गेनाइजेशन TPCDT एंड CADRRE के द्वारा,
ठीक है। और याद रखना ये पहला बाय ब्राइट डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क रहेगा लोगों की हेल्प करने के लिए, बच्चों के लिए दो फेस में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। छोटे बच्चे जिनको दिक्कत होती है उनके लिए, जो ऑटिज्म के शिकार हैं उनको हेल्प करेगा प्रॉपरली। दिस विल एनेबल स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरियाज टू एक्सेस स्पेशलाइज्ड केयर एंड सपोर्ट एंड हेल्प क्रिएट एन ऑक्सिलरी नेटवर्क ऑफ चैंपियंस फॉर द डिफरेंटली एबल्ड। दो फेज में मैंने बात की, पहले फेज में फोकस होगा सपोर्टिंग चिल्ड्रन विद ऑटिज्म और दूसरे फेज में फोकस होगा करना यंग एडल्ट्स पे एंड प्रोवाइड देम विद लाइफ स्किल्स एंड कैरियर रेडीनेस। तो इन दो फेजों में आएगा आपका पे ऑथेंटिकेशन, अ डिफरेंट माइंड इज अ गिफ्टेड माइंड। ये इंडिया का पहला ब्राइट डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क है। ऑटिज्म आपका क्या होता है? ऑटिज्म बेसिकली एक मेंटल कंडीशन है जिससे कोई पर्सन फाइंड करता है डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट और फॉर्म रिलेशनशिप विद अदर पीपल, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज रहती है जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं लोग। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन का एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टूवर्ड्स 2025 से। अभी रिसेंटली याद रखना आपको, यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक यूनाइटेड नेशन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टूवर्ड 2025 रिलीज किया गया। अब हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट कितना हमारा, कितना वर्क करने की बात कर रहे हैं हम क्लाइमेट पे, क्योंकि हमारे पॉल्यूटेड है क्लाइमेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज कर रहे हैं जिससे कार्बन रिलीज होता है और एनवायरमेंट हमारा पॉल्यूट होता जा रहा है। तो और हम देख रहे हैं कि अब इतने ज्यादा बिजनेसेस आ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जो एनर्जी की डिमांड है ना वो भी बढ़ती जा रही है। तो एनर्जी की डिमांड को भी हमें पूरा करना है लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी यूज नहीं करने हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अब हम शिफ्ट कर रहे हैं उसको, तभी क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि नेट जीरो कार्बन एमिशन हो। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट ईयर था 2070 कि 2070 तक हम इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बना देंगे। इवन 2050 में भी एक टारगेट अचीव करने की बात की इंडिया ने कि जो 3/4 हमारे रिसोर्स होंगे ना एनर्जी के, जनरेशन एनर्जी के, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी से हम जनरेट करेंगे 3/4 ऑफ एनर्जी डिमांड हम अपनी, ठीक है, याद रहेगा। तो अब क्या है, अब हम शिफ्ट कर रहे हैं जैसे हाइड्रोजन फ्यूल पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? आपका कार्बन रिलीज नहीं करेगा 1% भी, जीरो कार्बन एमिशन होता है इसका व्हेन कार्बन प्योर हाइड्रोजन को हम बर्न करते हैं, ठीक है। तो मतलब नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना, यह भी एक प्लान, एक्शन प्लान रिलीज किया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। की पॉइंट्स क्या रहेंगे इस एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क के? इनके अंदर बताया गया कि जैसे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इवन बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, ये क्या है, ये सब ने मिलकर अभी प्लेज किया ओवर $6 बिलियन का सपोर्ट लाने के लिए, कमिटमेंट करने के लिए कि हम ये पैसा इन्वायरमेंट पर खर्च करेंगे और इन्वायरमेंट को बेटर करेंगे। Coalitions were announced to support energy access and transitions in Nigeria and the city of Santiago, Chile. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्या है? रिपोर्ट है। तो आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए कि एनर्जी एक्शन प्लान, एक्शन टू एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टूवर्ड्स 2025 की बात की गई किन के द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। और इट वॉज लॉन्च बाय सम 30 लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग यूनाइटेड नेशन एनर्जी। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट देखें। नेक्स्ट है, ये रिपोर्ट आई यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तीन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर रिलीज की, यूनाइटेड नेशन के FAO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड यूरोपियन यूनियन, इन तीनों के द्वारा मिलकर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस GRFC, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस इसको रिलीज किया गया। इसमें बताया गया कि अभी 2021 में अराउंड 193 मिलियन पीपल इन्होंने फूड इनसिक्योरिटी फेस की 2021 में। आई रिपीट, इन्होंने बताया कि 2021 में 193 मिलियन लोगों ने फूड इनसिक्योरिटी को फेस किया, थोड़ा सा मतलब खाने की दिक्कत को फेस किया। अब इसी से रिलेटेड देखें, अगर 2020 की बात करें तो ये डाटा 40 मिलियन बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब अगर 2020 की बात करें तो सिर्फ 153 मिलियन पीपल ने अपना फूड इनसिक्योरिटी को फेस किया, लेकिन ये डाटा बढ़ गया 2021 में टू 40 मिलियन पीपल। अराउंड 53 कंट्रीज से लोग इफेक्टेड हैं ड्यू टू फूड इनसिक्योरिटी। इवन आप देख रहे हैं यूक्रेन और की वॉर चल रही है, वहाँ से क्या है, हम वीट को एक्सपोर्ट करते हैं, रशिया और यूक्रेन वीट एक्सपोर्ट करते हैं टू मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अब वॉर चल रही है तो वो एक्सपोर्ट बंद हो गया है। और फर्टिलाइजर्स भी एक्सपोर्ट किए जाते थे यहाँ से, तो जो ग्रो करने के लिए भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बंद हो गई है। तो मैनी कंट्रीज अब इंडिया पे डिपेंडेंट हैं कि हम इंडिया से वीट को इंपोर्ट करेंगे टू वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया भी अभी काफ़ी कंट्रीज के साथ बातचीत कर रहे हैं कि हम अपने जो हमारा सरप्लस है वीट का, हमारे साइलोज में स्टोर्ड है, उसको एक्सपोर्ट करें टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
तो ये अभी आ जाता है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ठीक है, किन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड यूरोपियन यूनियन के द्वारा इस डाटा को रिलीज करा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाबार्ड, नाबार्ड के द्वारा अभी एक फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स रिलीज किया गया, फार्मर मिजरी इंडेक्स कह सकते हैं इसको। ये बताता है कि कौन से एरिया में फार्मर्स को स्ट्रेस ज़्यादा है, ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा एप्रोप्रिएट सपोर्ट पैकेज, जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा जिन फार्मर को, सभी को इक्वल नहीं रखा गया है यहाँ पे। से फॉर एग्जांपल हरियाणा में कोई फार्मर है वो बहुत खुश है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन केरला में ही फार्मर जो सेम क्रॉप ग्रो कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो अब उसी हिसाब से जो पैकेज आएगा, सपोर्ट पैकेज आएगा, हरियाणा वाले फार्मर के लिए वो कम आएगा एज कम्पेयर टू केरला वाले फार्मर के लिए वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि केरला में जो फार्मर है उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। इसी वजह से ये एक फार्मर मिजरी इंडेक्स या फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स बोलिए, ये रिलीज़ किया गया ताकि ट्रैक किया जा सके एंड जो ज़रूरतमंद है, जिसको असल में ज़रूरत है, उनकी हेल्प की जा सके, ना कि जिनको ज़रूरत ही नहीं है उनको भी पैसा प्रोवाइड किया जाए, या फिर पैसा पैसा नहीं, किसी भी तरीके से अगर फाइनेंशियल एड या कोई भी हेल्प प्रोवाइड की जा रही है तो जिसको जेन्युइनली ज़रूरत है, जिसको सच्ची में ज़्यादा ज़रूरत रहती है उसकी हेल्प करी जाए एज़ कम्पेयर टू किसी नॉर्मल व्यक्ति की जिसको ज़रूरत ही नहीं है। FDI विल बेनिफिट फाइनेंशियल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंश्योरेंस बिजनेसेस आल्सो। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क की। वो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा बना जिन्होंने अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया, या जिसको टू गो लाइव ऑन द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, कौन सा पहला बैंक है, वो है यूनियन बैंक, ठीक है। ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना, पहली चीज़ याद रखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना टू गो लाइव ऑन द अकाउंट एग्रीगेटर WA फ्रेमवर्क, जो कि इनिशिएटिव रहेगा RBI का। अगर पूछा जाए ये आपका एग्रीगेटर अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क कब लॉन्च किया गया था, September 2, 2026 में RBI के द्वारा ये अनाउंस किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑफ एनहेंसिंग एग्रीगेशन ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये जो अप्रोच है, दिस वॉज टू मेक शेयरिंग एग्रीगेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा पॉसिबल इन सिक्योर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशियंट मैनर बाई इस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएटरी दैट वुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग कस्टमर कंसेंट्स, ठीक है। तो ये WA फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने वाला या इस पे लाइव जाने वाला वो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा बना, वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और ये अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, किसका इनिशिएटिव है, RBI का, और ये कब, September 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो की। इसरो प्लान कर रहा है December 2024 तक एक मिशन भेजने का, कहाँ पर, वीनस पे। अगर हम देखें ये सन है, ये मर्क्यूरी है, ये वीनस है और ये अर्थ है, यहाँ पे आ जाता है मार्स। तो जो वीनस है ना, इसको हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम भी बोला जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। वीनस सेकंड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम भी है, ये भी कह सकते हैं फ्रॉम सन। और इसी के साथ साथ याद रखना है मिशन का रीज़न क्या रहेगा, क्यों भेजना चाहते हैं कि मिशन जो वीनस पे जाएगा, क्यों, वह क्यों, वहाँ पे जो आपके एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उन पे स्टडी करना, जो इतना हीट है वहाँ पे, इतना प्रेशर है उनका, जो आपके मिनरल्स हैं उन पे क्या इफेक्ट होता है उसको स्टडी करना, जो शैलो सब सरफेस है उसको स्टडी करने के बारे में, जो हमारे क्लाउड्स में सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स हैं वहाँ पे उनको स्टडी करने के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, सोलर विंड्स जो आती है इंटरेक्शन विद द वेन्यूजियन आयनोस्फेयर, उसका रीज़न क्या होता है, वहाँ पे क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करने के लिए इसरो भेजेगा वीनस पे मिशन, कब, December 2024 तक, ठीक है। अगर ये मिशन December 2024 तक नहीं भेजा जाता तो इसके बाद जो सिमिलर विंडो आएगी वीनस पे मिशन भेजने की वो है 2031 की। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 सेंसिंग सैटेलाइट्स की, आई रिपीट, 8 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की, जिनको अभी चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन CASC के द्वारा लियो में भेजा गया। लियो होता है लो अर्थ ऑर्बिट में। आई रिपीट, चाइना एयरस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के द्वारा अभी 8 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया यूजिंग लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट। और रीज़न क्या था इनको 8 सैटेलाइट्स को भेजने का स्पेस में, कि टू बूस्ट द कमर्शियल रिमोट सेंसिंग सर्विसेज, ठीक है। जो आपकी कमर्शियल सर्विसेज होती है ना, रिमोट सेंसिंग सर्विसेज, से फॉर एग्जांपल हमारा गूगल मैप्स है, गूगल मैप्स को और बेटर करने के लिए, या फिर एप्लीकेशन आ जाती है स्विगी और जोमेटो की, ये क्या करते हैं, आपने ऑर्डर करना है तो ये क्या है कि कहाँ से आपका ट्रैकिंग की, आपका जो
लेके आ रहा है, डिलीवरी एजेंट है वो कितनी देर में आ रहा है, इन सब के बारे में डाटा देने के लिए, कमर्शियल्स के बारे में, कहाँ पे आपका कोई इवेंट चल रहा है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल अभी आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल को प्रमोट करना, आईपीएल का टीवी पे दिखाना हर जगह, तो इन सब से रिलेटेड आ जाता है आपका। तो इसको बूस्ट लाने के लिए इस सेक्टर में अभी चाइना के द्वारा 8 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया इन द लियो लो अर्थ ऑर्बिट। किसके द्वारा? चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के द्वारा, यूजिंग लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईसीसी की रैंकिंग के बारे में, क्रिकेट से रिलेटेड होती है ये। इसमें बात करेंगे ओडीआई वनडे क्रिकेट की, टी20 क्रिकेट की और टेस्ट क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया टेस्ट में, इंडिया की रैंक रहेगी टॉप इन टी20 फॉर्मेट और न्यूजीलैंड ने टॉप किया वनडे फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे आप रैंकिंग देख सकते हैं। अगर टी20 की बात करें टॉप किया है इंडिया ने, सेकंड अगर फिर हम बात करें ओडीआई की वनडे इंटरनेशनल की, टॉप किया न्यूजीलैंड में, सेकंड इंग्लैंड, थर्ड ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ आ जाता है इंडिया आपका। फिर अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो फर्स्ट पे रहा ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इंडिया और थर्ड न्यूजीलैंड। एक चीज़ और, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ना ये मेंस क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो सारी रैंकिंग है मेंस क्रिकेट की रैंकिंग है। चलिए नेक्स्ट पे फिर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोनी ब्रुक्स की। टोनी ब्रुक्स एक F1 रेसर है जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, ठीक है। 1932 में इनका जन्म हुआ था, यूके में जन्म हुआ था, 90 की एज में इनका भी देहांत हो गया है। इनको रेसिंग डेंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता था एंड इन्होंने 6 Formula 1 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। ऑल राइट, अगर मैं बात करूँ Formula 1 एंड MotoGP, इसमें डिफरेंस क्या होता है? Formula 1 रेसिंग होती है आपकी कार के लिए और जो MotoGP होती है वो होती है आपकी बाइक रेसिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे की। 5 मई को हम वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल, याद रखना। और इसके कैंपेन की थीम जो रहेगी वो है आ हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी क्लाइमेट और कल्चर दैट वैल्यूज हैंड हाइजीन एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं आयुष्मान भारत दिवस पर। 30 अप्रैल को हम आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व करते हैं। रीजन क्यों रहता है, किस बेसिस पर हम इसको वो सेलिब्रेट करते हैं ये डे आयुष्मान भारत दिवस, इसका रीज़न ये रहता है 30 अप्रैल को ऑब्जर्व करने का कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। जो भी हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती हैं, हेल्थ केयर स्कीम्स प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूरल एरियाज़ में, उनको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, ठीक है। मतलब रूरल एरियाज़ में जो भी हेल्थ केयर स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उनकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 30 अप्रैल को, ठीक है। ये एम याद रखना आयुष्मान भारत दिवस का। फिर आयुष्मान भारत दिवस की बात करें, इसको हेल्दी इंडिया भी कह लीजिए आयुष्मान भारत को, ये योजना थी जो कि लाई गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कब? 2017 में अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंडर, ठीक है। और इनका विजन क्या था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव किया जाए अंडर दिस नेशनल हेल्थ पॉलिसी, और इन्होंने क्या लॉन्च किया था? आयुष्मान भारत। तो अब हम याद रखेंगे 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत ऑब्जर्व किया जाता है। या आयुष्मान भारत दिवस क्यों ऑब्जर्व किया जाता है कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, उनको उनकी अवेयरनेस क्रिएट की जा सके रूरल एरियाज में, ताकि लोग उन फैसिलिटीज़ को आके अवेल करें। बिकॉज रूरल एरियाज में लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता ताकि वो बहुत ज़्यादा मेडिकल्स पे भी स्पेंड कर सकें, तो ये फैसिलिटीज़ क्या करती हैं, ऐसे लोगों को बहुत हेल्प करती हैं। जो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कहीं 1-2 लाख में होगा, वो वहीं पे इन्हीं फैसिलिटीज़ में जाके बहुत से 5-10 हज़ार में भी हो सकता है, ठीक है। तो एक फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी हेल्प रहती है ऐसे लोगों के लिए। नेक्स्ट, एक स्टेट न्यूज़ की बात करें तो अभी रिसेंटली हरियाणा में जो आपकी सैंड माइनिंग हो गई या फिर कोई भी मिनरल की माइनिंग हो गई, वो ट्रक में ए पोजीशन से बी पोजीशन पे ली जाती है, तो उसको ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन सेटअप की गई अभी रिसेंटली, वो है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। मनोहर लाल खट्टर जो कि चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, इनके द्वारा ये व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया, जो कि एक मोबाइल ऐप है जो कि बताती है कि व्हीकल अगर कोई भी सैंड को, मिट्टी को या फिर किसी भी मिनरल को लेके जा रही है किसी लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, तो उसको ट्रैक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। ये एप्लीकेशन नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो कि हरियाणा में है उनके द्वारा डेवलप की गई। एंड इस व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम में क्या होगा कि क्या सामान लेके जा रहे हैं, तो कौन सा मिनरल लेके जा रहे हैं, व्हीकल का नंबर, फिर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर सारे उसमें रजिस्टर किए जाएंगे, कहाँ से आई है ये व्हीकल, कहाँ जा रही है ये रजिस्टर किया जाएगा, फिर आपका
जो ड्राइवर है उसका नाम, उसका एड्रेस, उससे रिलेटेड जो भी डिटेल होंगी, उसका लाइसेंस नंबर, इन सब डिटेल को इसमें रजिस्टर किया जाएगा आपके व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब इस सेशन के बेसिस पे ही प्लस कुछ एक दो क्वेश्चन हम पुराने भी आपसे डिस्कस करेंगे। ये आपके होमवर्क हैं, होमवर्क ज़रूर करना है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं पुरानी वीडियो के और आज की वीडियो के नोट्स बनाए हैं बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में, तो ये सेशन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये 5 क्वेश्चन कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। 5 मिनट में ही आप कमेंट कर दोगे जैसे देखोगे ना, अगर आपने ये नोट्स बना रखे हैं पहले वीडियो से हमारी, तो आप देखते ही बता दोगे अरे इसका आंसर तो ये है। जैसे पहला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड इन अप्रैल 2022। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट? इसमें याद रखना मैंने बताया था वीट एंड मेज की मदद से ये इथेनॉल बनाया जाएगा, कहाँ पर यह बताइए। दूसरा क्वेश्चन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी एक द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट सोफो नाम से रिपोर्ट रिलीज की गई 2022 की, जिसमें बताया कि पिछले 30 साल में जो अर्थ का फॉरेस्ट कवर है वो कितना घट के कितना कम हो गया है, कितने परसेंट कम हो गया है। यह सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, नेम द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने पे एज यू ड्राइव को लॉन्च किया गया ये प्रोग्राम। ये क्या कहता है, पहले हम 1 साल के लिए इंश्योरेंस कराते थे अपनी, अब क्या है कि आपकी गाड़ी खड़ी भी रहती थी तब भी इंश्योरेंस कोई यूज में नहीं आती थी। अभी अब आपकी क्या है, जैसे आप ड्राइव करेंगे ना आपके किलोमीटर्स के हिसाब से पे एज यू ड्राइव उस हिसाब से आपकी इंश्योरेंस होगी। एंड ये अभी फैसिलिटी किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा रिलीज की गई। चौथा, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड, बताइए। चौथा क्वेश्चन। पांचवा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली NAOR वेबसाइट लॉन्च की टू प्रमोट ओपन एक्सेस इन पावर सेक्टर। इसमें NAOR में आर की फुल फॉर्म पूछी आपसे, लेकिन आप कमेंट करके इसकी फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है, फुल फॉर्म बताएंगे NOAR की, कि क्या फुल फॉर्म है NAOR की, जो कि अभी रिसेंटली वेबसाइट लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू प्रमोट ओपन एक्सेस इन द पावर सेक्टर। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 5 क्वेश्चंस, कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। जो भी डेली आपको होमवर्क दिया जाता है आप उसको कमेंट ज़रूर कीजिए, ढूंढिए उस क्वेश्चंस को, बिकॉज कहीं नहीं पता होता वही क्वेश्चन क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। रिग्रेट से अच्छा होता है प्रिकॉशन। ऑलराइट, चलिए फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी gmail ID जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिसॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।